बिजनौर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के बबली द्वारा कराया गया भव्य रोजा इफ्तार का आयोजन, दिया कौमी एकता का संदेश। आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के बबली एडवोकेट के आवास पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस गंगा जमुनी तहजीब के अलमदार ने एक भव्य रोजा इफ्तारी का आयोजन किया। इसमें सभी लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तारी की और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। एस के बबली यहीं तक सीमित न रहकर हर समुदाय के यहां होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों के बीच आपसी भाईचारे का एक अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। इसी कारण उनकी पहचान हर धर्म के लोगों में बहुत अच्छी है। वह हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने में हमेशा आगे रहते हैं। उनके यहां हुए रोजा इफ्तार में भारी तादाद में रोजेदारों ने रोजा इफ्तार में शिरकत, इफ्तार के आवास परिसर में कारी हन्नान द्वारा नमाज अदा कराई और मुल्क के अमनो अमान एवं भाईचारे के लिए दुआ मांगी गयी। उसके पश्चात एस के बबली एडवोकेट ने इफ्तार पार्टी में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। भैया दो लड़कों को भेज जाते हैं सड़क से लेट तैयार होगी और भैया आज आपके निवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें एक भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल भी पेश की गई है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप समाज को? हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हम सबको ये कहना चाहिए, और मैं तो पिछले 15 साल से इस तरह से रोजा इफ्तार करता चला रहा हूँ, और सबको एक साथ रहना चाहिए। गंगा जमुना तहजीब जो हमारी उसे बनाकर रखना चाहिए। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।